घर घर तक योग को पहुंचाने के संकल्प के साथ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के प्रांगण में 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान का समापन समारोह संपन्न हुआ। समापन समारोह में हजारों की संख्या में युवाओं व विद्यार्थियों के जोश व जज्बे ने दिखा दिया कि आने वाला समय भारत का है और पूरे विश्व को योग के माध्यम से स्वस्थ बनाने के संकल्प को भी भारत ही पूरा करेगा। बीपीएस विश्वविद्यालय में आयोजित इस समापन समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि तथा पंचतलि योग पीठ हरिद्वार से योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए पधारे। समापन समारोह के दौरान युवा शक्ति ने स्वामी रामदेव के साथ सूर्य नमस्कार किया। साथ ही हरिद्वार गुरुकुल से आई छात्राओं ने लाठी चलाते हुए यह साबित कर दिया कि उनकी सुरक्षा किसी के भरोसे नहीं है, वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। इस दौरान भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय का प्रांगण भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय से गूंज उठा। एक तरफ जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने योग के लिए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं स्वामी रामदेव ने दिल्ली में जमीयत के उलेमा द्वारा ओम और अल्लाह के एक होने पर तीखा हमला किया। 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान के समापन समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री ने उपस्थित युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है और हमारे ऋषि मुनियों व पूर्वजों के तप व तपस्या का ही परिणाम है। आज पूरा विश्व देश की संस्कृति का आत्म सम्मान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से ही भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहने के लिए योग करता था और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योग गुरु रामदेव जी महाराज योग के माध्यम से पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित करवा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी योग को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए योग विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला पूरे देश में हरियाणा इकलौता राज्य है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भारत की संस्कृति में इतनी शक्ति है, आज भारत की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति शिक्षा व मेहनत के बल पर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रही है। पूरे विश्व की जितनी भी मुख्य कंपनियां हैं उनके सीईओ के पद पर हमारे देश के युवा कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, कभी पूरे विश्व को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आज भारतीय मूल के युवा ऋषि सुनक हैं, जो भारत देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी परंपरा थी कि हमारे देशवासी अपने परिजनों का बहुत आदर सम्मान करते थे। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि देश का हर युवा पुरानी परंपराओं को अपनाकर दृढ़ निश्चय के साथ अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करे और देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए योग गुरु रामदेव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व को अनेक बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसका परिणाम यह है कि वो बीमारी जो कभी बुजुर्ग लोगों को होती थी, आज वो बीमारी हमारे युवाओं को हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खानपान। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से ही भारत का खानपान हमेशा पौष्टिक आहार वाला हुआ है और हमारे लोग पौष्टिक आहार खाने के साथ साथ योग करते थे, जिससे ये हमेशा स्वस्थ रहते थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पूरे विश्व के लोगों ने मान लिया है कि अगर स्वस्थ रहना है तो हर रोज योग करना होगा, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि पूरी दुनिया योग करेगी और उसका संभाग हमारा भारत देश बनेगा। योग गुरु रामदेव ने कहा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में जो वैचारिक आतंकवाद फैला हुआ है, उसका समाधान भी राष्ट्रवाद व अध्यात्मवाद में है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है। इस दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि अल्लाह और भगवान एक हैं, मगर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के नाम सिर्फ लोग अपनी सहूलियत के नाम पर समाज के नियमों के नाम पर जो खेल खेलते हैं, मैं उनके खिलाफ अगर कुछ टिप्पणी करता हूं तो उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूं। इस दौरान उन्होंने सूर्य नमस्कार में भाग लेने वाली सभी बेटियों से आह्वान किया कि वे देश की तमाम संस्थाओं पर अपना परचम लहराएं।
इस दौरान उन्होंने कोलगेट व पेप्सी कोला जैसे पेय पदार्थ न लेने का आह्वान करते हुए पंतजलि के प्रोडक्ट लेने की सलाह भी दी तथा कुछ दिन पहले महिलाओं के पहनावे पर दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल को टालते हुए कहा कि बस योग की बात हो। इस मौके पर परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, सीआरपीएफ के जवान, योग आयोग के चेयरमैन जयवीर आर्य, विश्वविद्यालय की वीसी डॉक्टर सुदेश और रजिस्ट्रार नीलम मलिक कमला बहन के अलावा काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी पत्रकारों से बातचीत की तथा कांग्रेस पर हमला बोला। इतने दिन यात्रा करके कश्मीर में जाके कहा कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं पुराने वाली व्यवस्था लगाऊंगा। गेट लगा दो भैया। आपको ये समझना चाहिए कि हरियाणा का बच्चा बच्चा हर परिवार से सेना में है, क्या वो दिन वापस लाना चाहते हैं जब आतंकवादी हमारे नौजवानों पर, सैनिकों पर पत्थर मारते थे? विश्वविद्यालय समझ नहीं है कि देश चाहता क्या है, समझ नहीं है कि हरियाणा के लोग। मंत्री जी, सरकार की पावर हमने बढ़ाई है, सरकार की पावर बढ़ाई, जिला परिषद की पावर बढ़ाई, ये जो व्यवस्था बनाई है उसमें जब वो काम करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तो उसको दूर करेंगे। को भूखमरी के नाम पर बताने करने की कोशिश कर रहा है, ये गलत बात है। हिंदुस्तान में भूखमरी नहीं है, क्योंकि ये आजकल एक कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी पार्टी ने गलत किया है। दूसरे देशों में खबर चलाओ और देश का अपमान करो, देश को नीचा दिखाओ। देश के नागरिक इस बात को जानते हैं, देश का प्रभाव बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार और योग आयोग ने ये जो संकल्प लिया था 75 लाख सूर्य नमस्कार का, वह 7,50,00,000 के सूर्य नमस्कार के संकल्प के साथ पूरा हुआ है। ये बहुत बड़ी घटना है। योग की भूमि कुरुक्षेत्र से लेकर के और सरस्वती के नदी के किनारे पर जो वेदों का उद्घोष गूंजा था, ये हरि की भूमि है, ये भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश की भूमि है, ये वेद की ऋचाओं के उद्घोष की भूमि है, और जिस भूमि पर यह 75 लाख सूर्य नमस्कार की पुण्याहुति का संकल्प पूर्ति का जो आयोजन हुआ है, ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की पुण्य धरा, जहाँ 3 बेटियों की शिक्षा का आंदोलन शुरू हुआ, आज 6-7 हज़ार बेटियाँ यहाँ पर शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आने वाले समय में देश की प्रधानमंत्री महिला हो, आने वाले समय में सेना अध्यक्ष हो, या भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, देश के शीर्ष पदों पर मातृशक्ति की प्रतिष्ठा हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष करने वाला ये भारत मातृशक्ति का सम्मान करता हुआ आगे बढ़े, इस शानदार ऐतिहासिक यादगार था। आज की इस आयोजन की स्मृतियाँ वर्षों तक हमारे दिल, दिमाग, आँखों में, मस्तिष्क में सुरक्षित रहेंगी। इसके लिए हमारे मंत्री जी श्री दलाल जी यहाँ पर हैं, हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी जो योग आयोग के अध्यक्ष हैं, और सब अलग अलग सरकार के विभागों ने, सब विद्यालयों ने, महाविद्यालयों ने, विश्वविद्यालय ने मिल करके आज ये शानदार कार्यक्रम किया, इसके लिए अभिनंदन है। कि भाई कुछ मुसलमान ऐसा मानते हैं कि बस इतना कर लो और फिर जो चाहे सो करो, तो उसमें क्या गलत बात कह दी? मैंने सबको तो नहीं कहा था, मैं कभी भी किसी वर्ग को, किसी एक समूह को टारगेट करके नहीं कहता, लेकिन ये सच है कि कुछ सिरफिरे लोग सभी वर्गों में, सब मजहबों में हैं, और उनकी आलोचना को कभी भी समूह की आलोचना ना मैंने कही और ना माननी चाहिए। जो मानता है तो भाई चोर की दाड़ी में तिनका। इस बात को लेकर अब जो मैंने बोला ही नहीं उसमें मेरी आलोचना क्यों करो भाई? एक बात तो। जगत महान न्यूज के लिए खानपुर से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।